Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है दलबीर सिंह मलिक जी। तो हम बात करते हैं, इस देश की सत्ता बदलने के लिए 7 लोग शामिल हैं जी। कौन कौन? विनोद राय से मैं लगा के और मैं नीचे तक आऊँगा, आप खुद ही गिनती कर लीजिएगा जी। ठीक है ना? विनोद राय जी ने सीएजी के घोटाले की आवाज़ उठाई थी, भ्रष्टाचार की जी। एक 1.76 लाख करोड़ का घोटाला 2G में दिखाया गया था जी। उसके ऊपर बहुत सारा बाउंडर हुआ था देश में। 2011-12 से ये कहानी शुरू हो गई थी जी। और उसी टाइम की उपज हमारे सीएम साहब हैं केजरीवाल साहब, इन्हें कोई जानता तो था नहीं, कोई नहीं जानता। ठीक है ना, ये तो दिल्ली के भी नहीं हैं, लेकिन इन्हें लाया गया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मोमेंट में, इनको पैदा किया गया था। ठीक है ना, यहाँ जो मोमेंट नाम रखा गया वो अन्ना हजारे जी का था, लेकिन उसमें से निकल के ये आए। दूसरे आदमी मैं बता देता हूँ जो घोटाले का जोर शोर उठाया गया उस पर बहुत सारा, उस पर अन्ना जी आए। अन्ना जी ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन पे खूब आवाज़ उठाई कि ये सब हो रहा है, लीडर्स ये कर रहे हैं, कोई बात नहीं। दूसरे आदमी अन्ना हजारे थे, आज कहाँ हैं? आज विनोद राय जी कहाँ हैं? आज विनोद राय जी बैंकों के अध्यक्ष हैं। हाँ, बैंकों का जो NPA बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है? जब इतने सुलझे हुए आदमी हैं हमारे पास तो NPA क्यों बढ़ रहा है? बैंकों की आज सिक्योरिटी नहीं रह गई है कि आपका पैसा है बैंक के अंदर, आपको मिल जाएगा। ये अनसिक्योरिटी पैदा हो गई है, ये काम किए या ये काम हो रहे हैं अगर उन्होंने नहीं किए तो। दूसरा आदमी अन्ना हजारे है, मोमेंट हो गया, केजरीवाल जी निकल के आ गए, उसका रिजल्ट मिल गया है। ठीक है ना, तय हुआ था ये चीज़ कि हम दिल्ली देंगे आपको। ठीक है, अब ये देखिए अन्ना हजारे जी आज कहाँ हैं, ये भी मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि प्रेस को और आप लोगों को क्लियर हो कि इस देश में हो क्या रहा है जी। अन्ना हजारे जी को आज Z+ सिक्योरिटी है जी। और उनको क्या ले दिया गया और क्या दे दिया गया इसका बयान तो है नहीं ना हम लोगों के पास, किसी को भी नहीं पता जी। और एक चीज़ और है, विनोद राय जी को एक संस्था और दी गई है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो। हाँ, तो जब सबसे रईस बोर्ड भी उनको दे दिया गया कि कितना भी कुछ करो कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कैसे भी बैंकों को रखो, कैसे भी बैंकों को चलाओ, कितने भी इनसिक्योर्ड करो, क्योंकि आपने तो हमें देन दे दी है। यानी कि जब से BJP आई इसी ने ये सब कुछ किया। हाँ हाँ हाँ, ये BJP की टीम है सारी, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ, बल्कि BJP तो खत्म हो गई, अटल जी तक थी, ये RSS के काम है सारे। मैं RSS का नाम लेना चाहता हूँ यहाँ पे, BJP और RSS एक ही चीज़ है। कुछ लोग BJP के नाम से चल रहे हैं, कुछ RSS तो है ही जी। ठीक है, तीसरे आदमी केजरीवाल साहब थे जी। ठीक है ना जी। तीसरे आदमी केजरीवाल साहब में, उस 7 आदमियों में से चौथी जो है वो किरण बेदी जी हैं जी। क्योंकि वो आप देखिए आज वो कहाँ हैं, दिल्ली हरवाई थी उन्होंने पिछले चुनाव में, एक ड्रामा रचा गया था, तो नाटक हो रहे हैं। आज वो कहाँ हैं, पांडिचेरी की गवर्नर बना रखा है, कोई बनाता है? उस टाइम के दिल्ली के प्रभारी प्रभात झा थे जी। ये 2 लोग मैं आपको बता रहा हूँ दिल्ली में चुनाव हरवाने के लिए। ठीक है ना, बाकी लोगों को तो ये कहीं लगाते नहीं है जी। सेंटर की जो टीम है बाकी लोगों को कहीं नहीं लगाती है। अब उस टाइम प्रभात झा जी थे, आज देखिए राज्यसभा मिली है उनको इनाम के तौर पे जी। ठीक है, हमारे आदमियों को आपने आगे लाने में मदद की तो आपको पुरस्कार मिलना चाहिए, वो पुरस्कार उनको मिला है। अब पांचवें आदमी, 4 आदमी हो गए, पांचवें आदमी है रामदेव जी। जब करप्शन का मोमेंट ढीला हुआ और केजरीवाल जी आ गए, पहले 28 सीट के साथ 8 सीट में कांग्रेस के साथ सरकार मिलकर बनाई जी। इस आदमी को कांग्रेस के अंदर डाल के कांग्रेस को एक्सपोज करने के लिए रखा गया था कि आप कांग्रेस को एक्सपोज करिए और हम उसका फायदा उठाएंगे। अब BJP की सरकार किस वजह से है आप देखिए, BJP की सरकार आज कांग्रेस के टूटने की वजह से है। अगर कांग्रेस के लोग अगर वापस चले जाते हैं तो यह सरकार टिकती नहीं है। एक्चुअली सरकार कोई भी बने, मुझे उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि राजनीति में ये उठा पटक के खेल चलते हैं, चलाएं। लेकिन जो लोग आपको लाए थे, जो लोग आपका बेस थे, आज उनके लिए आप लोगों ने क्या किया है वो करें। और चलिए उनके लिए भी कुछ मत करिए, आप देश के लिए तो काम करिए।
ये एजिटेशन वाले काम क्यों कर रहे हैं? अब आप घूम फिर के CAA और NRC जी को छोड़ के अब आप NPR पे आ गए हैं जी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि दंगे हो गए, कुछ ना समझ लोगों ने ये सब बखेड़े खड़े कर दिए। अब माइनर कम्युनिटी तो उखड़ेगी क्योंकि बार बार जब आप उन पे वॉर करते जा रहे हैं या उनको प्रेस करते जा रहे हैं या दबाते जा रहे हैं। 370 को भी ज़्यादा देर नहीं हुई जी। हटे हुए को जी। इफेक्ट कौन हुआ? जनता। जनता नहीं हुई, माइनॉरिटी, ठीक है ना? क्योंकि क्योंकि उनका भी केस था सुप्रीम कोर्ट में, वो दूसरी पार्टी थी। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने देश के लिए अच्छा किया। इसके मद्देनजर POK को भी देख लीजिए, क्योंकि अभी POK हिंदुस्तान को मिला नहीं है, वो पाकिस्तान के ही पास है। ठीक है ना? तो जब आ जाएगा तब हम 370 को हटा हुआ मानेंगे। हो सकता है संधि हो गई हो सरकारों में, उधर इमरान खान से संधि हो गई हो कि भाई वो आप रख लो, इधर हम हटा रहे हैं जी। यानी अंदरूनी संधि भी हो सकती है। अंदरूनी संधि हो सकती है, जब तक हमें POK नहीं मिल जाता जी, अक्षय चिन्ह नहीं मिल जाता चाइना से, तब तक तो कश्मीर पूरा भी नहीं है जी। तो आप 370 आप अपने अपने से हटा लो, उससे क्या होगा? हमें तो पूरा कश्मीर चाहिए। अगर हम देश के वासी हैं और राष्ट्रवादी हैं और हम इस देश के लिए मरना मिटना जानते हैं, तो हमें तो पूरा कश्मीर चाहिए। तो पूरे राष्ट्रवादी बन के दिखाओ। वो बात मेरी अधूरी रह गई। पांचवा दिन रामदेव जी थे जी। कांग्रेस का टाइम था, 5 कैबिनेट मिनिस्टर उनको लेने गए कि भाई ये सब हो चुका है, अब आप इस बखेड़े को और ना फैलाओ, अब हम सरकार ठीक काम कर रही है। लेकिन नहीं माने रामदेव जी, रामलीला ग्राउंड में गए, ठीक है ना? जब उनको अरेस्ट करने की बारी आई तो उन्होंने छलांग मारी, उससे स्टेज से छलांग मारी, औरतों के कपड़े पहन के निकले। हरियाणा में तो सलवार डे मनाया जाता है उनके नाम से। तो जब ऐसे काम आप करोगे तो देखो निचली श्रेणी क्या किसी जमीन की किसी ओल में से भी निकलना पड़ सकता है। ओल मेरा मतलब सुरंग से है, किसी सुरंग से भी निकलना पड़ सकता है जान बचाने के लिए, किसी सीवर से भी निकलना पड़ सकता है। तो जब ऐसे ऐसे काम करने की हिम्मत पैदा होती नहीं है किसी आदमी में, वो कर दी जाती है कि अब आप ये करिए और हम इसका फायदा उठाएंगे। पांचवा आदमी वो था। छठा आदमी सुब्रमण्यम स्वामी, जो सुप्रीम कोर्ट तक उस केस को लेके गया। उस केस का रिजल्ट क्या निकला सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि देखो घोटाला हुआ ही नहीं, तो खेल तो पूरा खेल लिया गया, सत्ता तो परिवर्तन हो गई। और सातवें आदमी थे हमारे मोदी जी, जिन्होंने इन 6 आदमियों की मेहनत को कंपाइल करके और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट मांगा, तो लोग तो मुरीद हो गए। हवा थी, जब हवा थी तो बन गए। बन गए उस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि क्यों बन गए। जब आप बन गए हो तो जो आपकी कमिटमेंट थी, जो आप बातें करते थे 5-6 साल पहले, वो बातें कहाँ हैं? उन बातों के ऊपर काम कहाँ है? आप तो हिंदू मुस्लिम करने पे लगे रहते हो। ऐसे ही आपका ये अध्यक्ष है, होम मिनिस्टर भी है, कोई बोलेगा तो बंद कर देगा, ठीक है ना? इसलिए बना है ये, मेरे से सुन लो। राजनाथ जी ने 5 मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री अच्छी तरह चलाई, किसी को अफेक्ट नहीं किया। ऐसे कानून पहले क्यों नहीं आए जो आप अब ला रहे हो? तो अब किसके नंबर बनाए जा रहे हैं? तो ये असमंजस वाली पोजीशन, किसी चीज को आप हिट करते रहोगे, हिट करते रहोगे, हिट करते रहोगे। हम तो ह्यूमन बीइंग है, नहीं समझे? पब्लिक तो ह्यूमन बीइंग है जी। तो आप उसको अफेक्ट करोगे, किसी लोहे को भी आप बराबर चोट मारोगे तो वो भी शेप छोड़ जाता है अपनी जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस देश ने अगर सत्ता दी है तो आप लोग काम करिए। काम करने के लिए लाए हैं। पब्लिक बना सकती है तो पब्लिक उतार भी सकती है, पब्लिक में ताकत होती है। ठीक है, 2019 में आप EVM से जीते हैं, मैं खुला खुला इसलिए बोल रहा हूं ताकि लोगों को समझ आए जी। EVM ने आपको जिताया है, जनता आज जनता ने नहीं जिताया आपको, और आप जनता के खिलाफ फैसले लेते जा रहे हैं जैसे जनता से आपको तकलीफ हो गई हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजॉरिटी हो जी। ठीक है ना, किसी से भी पूछ लीजिए। 14 वाली हवा तो थी नहीं, मैं खुद चुनाव लड़ा हूं जी, तो मैं खुद जानता हूं इस चीज को, इसलिए खुद बोल रहा हूं, मैं किसी के बहकावे में तो बोल नहीं रहा हूं जी। तो जब ये सारी चीजें पनपती हैं
मेरे चुनाव के अंदर 53% वोटिंग हुई। मैं साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ा, मैंने पहले भी बताया अपने वक्तव्य में, आज मैं इसे फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि लोगों को समझ आए, हो सकता है मेरा पहला वक्तव्य लोगों ने ना सुना हो। 53% वोटिंग में 17,51,000 में से 9,28,000 वोटिंग होती है और रिजल्ट निकलता है 12,25,000 में से। तो ये कैसे हो गया, कहां से हो गया? दो चुनाव आयोग थे, मैं आपको डिटेल जितना मैं जानता हूं मैं वो आपको क्लियर करना चाहता हूं, मैं कहां तक ठीक हूं ये आप अंदाजा लगा सकती है प्रेस। दो चुनाव आयोग थे, चुनाव आयोग के लोग इनके थे, जैसे आज राष्ट्रपति इनका है। बॉम्बे में फंडवीज को 4 दिन के लिए बैठाया जाता है और जितनी फंडिंग होती है वो सारी डाइवर्ट करा ली जाती है, राष्ट्रपति इनके हैं। अब आप देखिए चीफ मिनिस्टर रातों रात बना दिया गया, दूसरे का मेन आदमी भी तोड़ के बैठा लिया गया। अब जब आप किसी को धमकियां दोगे कि ये केस है तेरे खिलाफ, हम तुझे अंदर कर देंगे, तो वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए आ जाता है। यहाँ मैं तारीफ करूँगा उस 80 साल के बुजुर्ग की, शरद पवार की, जिसने इनको इनका शीशा दिखाया, उसने बहुत अच्छा काम किया। शिवसेना इनके साथ होते हुए भी इनके साथ नहीं रह पाई, क्यों? क्योंकि ये लोग किसी को साझा तो कर लेते हैं लेकिन साझा विचार नहीं करते, साझा मिलके सरकार नहीं चलाते, मनोबली अपनी। हाँ, तो शिवसेना ने कोई गलत काम नहीं किया, अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा होते रहना चाहिए। अब देखिए भगवा रंग नक्शे से साफ हो गया है, क्यों साफ हो गया? इनकी करतूतों की वजह से हो गया है, क्योंकि झूठ उठा के रखी जाती है, बार बार झूठ बोलने से तरक्की नहीं होती, ना आदमी की होती है, ना किसी समाज की होती है, ना किसी परिवार की होती है, ना किसी देश की हो सकती है। तो झूठ बोलना बंद करे आरएसएस, झूठ बोल बोल के जवाहरलाल नेहरू की जात पीट पीट के, इंदिरा गांधी की जात पीट पीट के ये सरकार बनी है। क्यों? हमारे गांव देहात में निक्करधारियों को पसंद नहीं किया जाता था, क्यों? क्योंकि ये बात कुछ करते थे और करते कुछ थे, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, वो चल नहीं सकती, ठीक है ना, उसे उठा के रखा जाता है। तो मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ, लोग इनको पसंद नहीं करते थे, फिर ये इकट्ठे होने लगे, इकट्ठे होने, जब एक चीज़ बार बार दिखती है और भाषण अच्छे पिलाए जाते हैं तो लोग सोचते हैं यार इनको भी देख लो एक बार, ये क्या करेंगे। तो लोगों ने अब इनको देख लिया है। इस देश को तो मिलीजुली सरकार ही इसलिए अच्छी है क्योंकि कांग्रेस ने भी पीछे करप्शन की वजह से कांग्रेस बाहर हुई थी, जो इन्होंने बाउंड्री फैलाया, ठीक है करप्शन था भी, मैं यहां कांग्रेस का भी फेवर नहीं कर रहा हूं, करप्शन था भी, क्योंकि करप्शन की वजह से तो ये लोग आए। और अब देखिए इनके टाइम में करप्शन नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता, करप्शन आज भी है। आज किसी के ट्रांसफर के लिए चले जाइए तो आपको किसी सीनियर लीडर से मिलना पड़ेगा तो हो जाएगा, वरना आपका ट्रांसफर नहीं होगा। आज आप किसी नौकरी के लिए चलीजिए, वो नौकरी तो ये दे ही नहीं पा रहे हैं। आज वर्स्ट पोजीशन अनएम्प्लॉयमेंट की है, चरम सीमा पे है। आज इन्फ्लेशन महंगाई देख लीजिए, चरम सीमा पे है, ये कांग्रेस को रो रहे थे, तुमने क्या कर दिया भाई आके। तो इस देश की सत्ता जो चुनी जाती है वो काम के लिए चुनी जाती है, इनको काम करना चाहिए, ये दंगे फसादों में ध्यान हटा लें। दंगे फसाद गुजरात में भी हुए थे जब आप सीएम थे, अब आप देश में करा रहे हो, तो इनसे बचना है और लोगों को काम धंधा देना है, उनके दिमाग डाइवर्ट करने हैं। ठीक है आज उनको कोई चला भी रहा है, मैं एनसीआर सीए की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप देखिए आप कुछ बोलते हैं और आपके गृह मंत्री कुछ बोलते हैं और वो अध्यक्ष भी हैं, तो उनकी वेटेज लोगों को इसलिए ज्यादा लगती है, यार पता नहीं आदमी क्या कर देगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा इस देश में, चाहे पीएम बन जाए चाहे होम मिनिस्टर बन जाए, ठीक है ना, पब्लिक के साथ जो मिलके चलेगा वही चलेगा, ये मेरा कहना है। और इन चीजों से बच के सरकार काम करे, क्योंकि पिछले 5 साल आप लोगों ने कुछ नहीं किया, दिल्ली की सरकार ने कुछ नहीं किया, तो अब किस वजह से क्यों हम पब्लिक बनाए इन लोगों को? तो ये तो 24 की तैयारी में लग गए हैं अभी से, फिर हम एनआरसी ले आएंगे, फिर हम ये कर देंगे, फिर हम वो कर देंगे, फिर हम कोई और इशू पैदा कर देंगे। इशू पैदा नहीं करने हैं, लोगों के लिए काम करना है। आप कर सकते हैं करिए, वरना हटिए, कोई और सरकार बना लेगा, खाली आपके अंदर हुनर नहीं है सरकार बनाने का। मेरा ये सरकार को कहना है, चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे वो देश की सरकार हो, काम करे लोगों के लिए।
लाइक शेयर एंड कमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन